सनातन धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस साल तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और इसका क्या महत्व है और विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज़ आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तुलसी को दूसरे नाम विष्णु प्रिय से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि से एक दिन पूर्व को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठावनी एकादशी भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर यह 5 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। पूरे भारत में तुलसी विवाह महिलाओं द्वारा अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए किया जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 से होगा और इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 से होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। इससे एक दिन पहले 12 नवंबर को देव उठावनी एकादशी है। इस दिन चतुर्मास की समाप्ति होगी और कई जगहों पर इसी दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ विवाह करने की परंपरा भी है। इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शंख और घंटा नाद सहित मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को जगाया जाता है। इसके बाद उनकी पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय घरों और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं और गोधूल वेला सूर्यास्त के समय भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आती। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो भी तुलसी विवाह से जल्द विवाह के योग बनते हैं। साथ ही निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी जी को सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव दूर होते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह करवाएं और सुहाग की सभी सामग्री चढ़ाएं। पूजा के बाद इस सुहाग की सामग्री को किसी स्वागन महिला को दान में दे दें। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन खुशमय होता है और पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है।